आज जुरुडी रेलवे स्टेशन रो जो रिस्ट्रक्चर करा जायछि सेतिपई अंचलवासी खूब उपकृत हेबे एथरे कोनसे संदेह नै। आमे धन्यवाद देबु माननीय मुख्यमंत्री तथा आमर रेल मंत्री को श्रीयुक्त अश्विनी भूषण महोदय को जे जा हो दीर्घ 2014 मसिया परठारु ए जरोली रेल स्टेशन रो अनेक दाबी थिला एवं याको उन्नतिकरण करबा दिगरे अनेक जनसाधारणकर दाबी थिला ताकु आज कार्यक्रम रे परिणत करा जाई पारिछि एवं एठी गोट अंडरपास रो व्यवस्था करा जाई छि जो द्वारा यात्री मानकर सुविधा जीवासीबा पे बहुत भल भाव रहि पारिबो एवं रेलवे स्टेशन जेभली भाव रे विकास हेबा कथा साधारण यात्रींकर पई से मध्य खूब सुंदर भाव रे सेति पे व्यवस्था करा हिछि तेणु अंचलवासीक तरफरु तथा जोड़ा ट्रक ओनर एसोसिएशन संघ तरफरु मु आज कार्यक्रम पई माननीय मुख्यमंत्री माननीय रेल मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देवा पई चाहे। माननीय मोदी जी का नेतृत्व रे देश रे वर्तमान जो अमृत भारत जुरेशन स्कीम चली छि ता भीतर हमरो जुरुडी स्कीम टा किया जाय छि आ जागे तार किछि काम होय छि आ काम डेवलपमेंट हो ताको जेमती विश्व स्तर रे जेमती भलो सब सुख सुविधा देवा स्टेशन से स्टेशन भीतर जुरुडी स्कीम किया जाय छि केउजर भी आवरी केउजर भी बडबिल भी किया जाय छि केउजर भीतर तेणु सब से दृष्टि ये प्रोग्राम ने आज प्रधानमंत्री सारा देश में शिलान्यास कर लोक मैंने संपूर्ण भाव कहीं प्रधानमंत्री जो सोच केवल रेलवे रे खाली नामक मात्र रेलवे नहीं रेलवे रे खड़ी खादार माल जीवा पाई नहीं रेलवे रे साधारण जनता कर जो सुविधा मिलबो सेई वे रे सारा भारत रे मोदी कर ये स्कीम रे अनुसार की आधार रे डेवलपमेंट। मैं एडीआरएम इंफ्रास्ट्रक्चर चक्रधरपुर डिवीजन से हूँ। जरोली स्टेशन चक्रधर साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधर डिवीजन चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है और इस स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 15 करोड़ की लागत से स्टेशन का ऑनलाइन के माध्यम से स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। कितना है 15 करोड़? और कितना दिन में? सिर्फ जरोली का, ये सिर्फ जरोली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जरोली का है। अगर उड़ीसा के सारे स्टेशन का देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न और ईस्ट कोस्ट रेलवे सारा कुछ मिलाकर अराउंड 10,000 करोड़ में डेवलपमेंट हो रहा है। संपूर्ण करने का समय अभी कहना कठिन है बट काम चलेगा। उम्मीद है कि जो जहाँ जिस स्टेशन पे जैसे जरोली स्टेशन पे काम मतलब कि ये रिलेटिवली छोटा बिल्डिंग है तो यहाँ पर साल भर के अंतर्गत काम हो जाएगा। मीन्स 2024-25 में ये काम हो जाएगा। और रेलवे की तरफ से उन्नतीकरण का कुछ विचार है या फिर नया गाड़ी देने का विचार? ये अभी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नया ट्रेन आना है पर जो भी होना होगा ऑब्वियसली स्टेशन बनाया जा रहा है तो जरूर रेलवे का कुछ प्लान होगा पर अभी हम इस पे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।